हो गया, क्या माहौल है? सही चल रहा है माहौल। सही चल रहा है। हाँ, क्या बदलाव है यहाँ पे? अब देखो ये तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, माहौल सही चल रहा है। सही चल रहा है। दे दिया आपने वोट? जी बिल्कुल दे दिया। क्या मिजाज है? मिजाज बहुत बढ़िया है। 50-50 है। अच्छा, क्या लोगों का एक उत्साह है वोट देने का, जिसका पहली बार आया वो तो एक तरह से बिल्कुल भावुक है कि मैं पहले मैं वोट दूँ, पहले मैं दूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है वोट। बहुत अच्छे तरीके से हो रहा जी। मतलब सरकार बदलाव चाह रहे हैं आप लोग या फिर? बिल्कुल, सरकार तो बदलाव नहीं, सरदार गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। अच्छा अच्छा। हर तरह के गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए, क्योंकि सरकार यही चाहिए गहलोत जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ महिलाएं हैं वोट, इन लोगों से ही बात कर लेते हैं। वोट हो गया आपका? वोट हो गया? क्या मिजाज है महिलाओं का यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के? अच्छा है। बैठने की व्यवस्था कम है? हाँ, बैठने की व्यवस्था सही है। बैठने की व्यवस्था कम है? हाँ। नहीं, फोन तो अंदर अलाउ नहीं होगा। फोन तो क्या आप लोग चाह रहे हैं यहाँ पे है? बदलाव चाह रहे हैं या फिर यही सरकार चाहिए? अब क्या बदलाव हो गया? आगे टाइम अब क्या एंड टाइम पे थोड़ी होता है, वो तो पहले से व्यवस्था की जाती है। नहीं 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 नहीं, वोट सरकार के लिए, जो वोट आप लोग देने आ रही हैं, वोट क्या उद्देश्य सोच करके आया है? हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे? मोदी जी। हाँ, मोदी जी। मोदी जी मतलब महिलाएं जो है एकदम यहाँ बोलते हैं, तो मोदी जी को देंगे। और किसी को देंगे? महिलाओं को लग रहा है कि राजस्थान में सुरक्षा कमजोर है। अच्छा बेटा, पहली बार दे रहे हो आप वोट? क्या सोचा है? देश में रहना हो तो मोदी जी को वोट देना होगा। अच्छा, ये जी बताइए, पहली बार बेटा जी? हाँ, बिल्कुल। क्या सोचा है? सोचा ये कि चॉइस तो इतनी खास कोई है नहीं, ऑप्शन इतने हैं नहीं हमारे पास। हम हेल्थ की बात करना नहीं चाह रहे, हम एजुकेशन थोड़ा की सा इधर आ जाओ, लाइट कहाँ, इधर 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 से आ जाओ, इधर हम ना हेल्थ की बात करना चाह रहे हैं ना एजुकेशन की बात करना चाह रहे हैं। हमें चाहिए फ्री राशन, फ्री खाओ पियो, बस बहुत है। हाँ, तो दो जिसको देना है वोट, आएगी जिसकी सरकार होगी। अच्छा अच्छा, मतलब ये नाराजगी यूथ में है कि ये मुफ्त खोरी जो है बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, रिजर्वेशन की नाराजगी तो पहले ही थी, अब हम बात ही नहीं करना चाह रहे हेल्थ की, हम बात ही नहीं करना चाह रहे एजुकेशन की। हमें बात करनी है, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं हम 400 का सिलेंडर दे रहे हैं, हम 450 का दे रहे हैं, हम 500 का दे रहे हैं, हमें सिर्फ इतने से मतलब है। बहुत बढ़िया। हाँ, कमाएंगे किसके लिए? कमा के जोड़ेंगे थोड़ी, अगर हर चीज़ फ्री चाहिए तो। बिल्कुल सही बात है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइट कहाँ। हमें मेहनत करनी है, मेहनत करके अब मोदी जी कुछ भी करो, हम मोदी जी को ही साथ देंगे, और हमें मोदी जी पसंद है। मतलब महिलाएं एकदम से ठोक के कह रही है कि हमें मोदी है तो दुनिया में है। सही बात, खुल करके। सही बात। हाँ, आप लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर नहीं, हर घर 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 मोदी, भैया मोदी पूरा राजस्थान। यहाँ कोई भी है ना जो ना तो व्यवस्था है, ना ना जो कोई रोड बनी है, ना ना जो मतलब इतना करोड़ों का ठेके गए, जैसे तालकुटरा गोविंद देव जी का मंदिर है, पीछे पौंडरी गार्डन है, सबके अंदर कोई भी काम नहीं हुआ, सब टूट फूट पड़ी है। ये ऐतिहासिक जगह है ना, ये ऐतिहासिक जगह है, तो उसको पहले ही ठीक करना चाहिए, पहले उसको है ना जो सही करना चाहिए। क्यों? हवा महल विधानसभा है ना ये? हाँ, हवा महल है। हाँ, लोग घूमने आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। क्या किया? कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और पेट्रोल तो सबसे ज्यादा आपके राज्य में महंगा है, और कांग्रेस पार्टी पेट्रोल का मुद्दा बनाती है, आपके राज्य में सबसे ज्यादा महंगा है पेट्रोल। वो तो हर चीज का मुद्दा बना रही है, आप ये बताओ कौन सा मुद्दा नहीं बना रही वो? वो तो हर चीज में मोदी के हर काम में कमी निकाल रही है, मोदी को गालियां दे रही है। क्या किया है उसने? बिल्कुल, महिलाएं ठोक के कह रही है कि हमें हाँ मोदी ही चाहिए। बिल्कुल, मोदी ही चाहिए, मोदी के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। महंगाई को तो बोल देती। बेटा तुमने कुछ नहीं कहा, पहली बार वोट देने आई हो। हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, देखिए क्या करती है मोदी सरकार, फिर बोलेंगे अपन अक्सर। मोदी सरकार तो हमेशा अच्छा ही करती है, मोदी सरकार अच्छा ही करती है, अच्छा ही करेगी, सैलरी बढ़ती है। आंटी आप, और 10 साल हो गए, 10 साल से ना कोई सुविधा करिए, ना हम तो देख रहे, ना कोई राशन कार्ड, ना कोई आधार कार्ड, कोई भी हमें तो बना कर दिया नहीं किसी ने। आज मोदी के वोट पे आए तो हमें चीज तो अर्जेंट बन के तैयार मिली, हमें हमारे वोट आज मिले हैं, 10 साल से आज तक किसी ने बना के नहीं दिए। चलिए, हाँ कुछ कह रहे थे आप? भाई हमें तो दिल से मोदी 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 पसंद है। चलिए, महिलाएं ने विशेष रूप से इस बात को कहा, और नहीं चाहिए सरेंडर, हमें तो वैसे भी खरीदना ही पड़ेगा ना, हमें तो ये देखिए, ये विधान सही
इलेक्शन कमीशन के एक तरह से प्रमोटर है, वोट दे दिया आपने? बिल्कुल। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा असल मुद्दा जो है वो एजुकेशन का है, यूथ ब्रिगेड का है, तो सारी चीजें संभाल, फ्री कुछ नहीं चाहिए अपने को, फ्री कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी नहीं मिलने वाला है ना, 450 का सिलेंडर हमें थोड़ी है, हमारे पास तो, हमें तो 900 रुपए का ही दे रहे हो, तो सब मिल रहा है, तो लोअर क्लास को मिल रहा है, मिडिल क्लास वाले तो मरे जा रहे हैं। हमारे पास हां अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रोजगार का मुद्दा है, सबसे बड़ी बात तो यह है युवा वर्ग के लिए रोजगार जरूरी है, मेन इम्पोर्टेंट जॉब है, यूथ है तो यूथ के लिए जॉब बहुत जरूरी है, जॉब चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब नहीं है, ढूंढ सरवाइव नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। चलिए, ये राजस्थान की राजधानी का हवा महल ऐतिहासिक क्षेत्र है, टूरिस्ट ज्यादा आते हैं यहाँ पे, गंदगी इतनी है कि आप देखोगे तालकटोरा के इतनी बदबू आती है, हम कैसे रहते हैं हमारा जीव जानता है। तो यहाँ तो पूरी दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, 18 करोड़ खर्च करके भी आप उसकी हालत, आप फोटो लेना उसकी, आप अभी आप खड़े एक मिनट खड़े नहीं रह सकते, ये हालत करिए, 18 करोड़ कहाँ गए, केंद्र ने भेज दिया लेकिन राज्य सरकार कहाँ ले गई उसको, पेड़ पौधे लगाए उनको नष्ट कर दिया, यहाँ सिर्फ अतिक्रमण के सिवा कांग्रेस का कोर कुछ नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार, कांग्रेस का काम ही है भ्रष्टाचार करना और लूटना, मूर्ख बनाना जनता को, जनता को आपस में लड़ाना और वोट लेना जी, और पेपर लीक करवाना, पेपर लीक करवाना मेन मुद्दा, पेपर लीक, तो कैसे रोजगार होगा जब पेपर ही लीक होता रहेगा, तो हाँ तो पेपर लीक और कुछ मुद्दा नहीं, अच्छा तो युवाओं को ना नौकरी दो, फ्री की चीज देने से कोई मतलब नहीं है, उनको आराम तो वैसे खाने को दे रहे हो, बेरोजगारी तो फैल रही है, आज महिला एक भी सुरक्षित नहीं है, आप देखो आप महिला निकल सकते, दिन में दिक्कत है तो रात को तो क्या महिला निकले, इसीलिए महिला ज्यादा एग्रेशन, महिला ज्यादा है, आप यूपी में देखो, यूपी में सबसे ज्यादा, बिल्कुल हम यूपी से ही आ रहे हैं, नोएडा से, यूपी में पहले सबसे ज्यादा वो था, हाँ, बिल्कुल क्राइम, हाँ। आज योगी जी ने उनको सारा सही कर दिया, बिल्कुल है? बिल्कुल, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ भी वैसा ही वातावरण हो, योगी जैसा बदलाव चाहिए, योगी जैसा बदलाव चाहिए। चलिए, ये बदलाव लोग जो है डिमांड लगातार कर रहे हैं, और महिलाएं खास करके विशेष रूप से उन्हें हर हाल में बदलाव चाहिए, ऐतिहासिक हवा महल क्षेत्र है, बड़े पैमाने पे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन भाई साहब बता रहे हैं इतनी गंदगी है, यहाँ के रोड देखो आप, रोड बनाते हैं, इधर इधर आ जाइए, इधर सूरज देव जी का मंदिर है, वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, गाय कितनी खड़ी है और इतनी बदबू आती है, इतनी गंदगी है, और पार्क के पास देखो कितनी गंदगी है, हद से ज्यादा, सारे रोड कीचड़े से भरे हुए हैं, हमको ये नहीं चाहिए, खराब भी हो गया, पब्लिक प्लेस है उसको तो साफ करो कम से कम, यही है बस, गार्डन नहीं जा सकते, बाउंड्री गार्डन की क्या हालत देखो, इतना गंदा हो रहा है, 6 महीने बाद बनता है, 6 महीने बाद दूसरा देखो टोट फोड़ के वही कर देते हैं, हम वॉक नहीं कर सकते, क्या है, तो हमको मोदी ही चाहिए, क्या चाहिए, मोदी जी चाहिए, मोदी दोनों चाहिए हमारे, मतलब यहाँ योगी, हर जगह योगी कैसे लाएंगे, वैसा योगी गुंडों के ऐसे नब्ज कर दिए कि वहाँ से बक्के सारे गुंडे यहाँ पे आ गए, सारे गुंडे आपके यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, अब यहाँ से भगाने की तैयारी करेंगे कि इन गुंडों को कि कहाँ भगाएं, वो अब और दूसरी जगह ढूंढेंगे कि यहाँ से गुंडे भगने चाहिए, यहाँ इतने गुंडे हो गए कि आज लेडीज सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, हमारे प्रत्याशी वो भी सुरक्षित नहीं है, उनको भी अभी 2 रोज पहले उनको भी मारपीट कर ली, और क्या करेंगे यहाँ पे हम आम जनता को तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों के मिजाज आपने देखे, खास करके महिलाओं के अंदर ज़्यादा गुस्सा है, और उन्होंने ये कहा कि हमें हर हाल में बदलाव चाहिए।